રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત સાથે અજમેર ખ્વાજા ગરીબ નવાઝની દરગાહના ખાદિમ મુઈનની ચિશ્તી દ્વારા બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોરોના મહામારીની બીજી લહેરે દેશ પરને હચમચાવી મૂક્યું છે, જેને લઈને ધાર્મિક સ્થળો બંધ કરવામાં આવી દેવામાં આવ્યા છે. ત્યારે રાજસ્થાન અજમેરના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતને સાથે બેઠક કરી અજમેરના ખાદિમ મુઈન ચિશ્તી દ્વારા અજમેર ખ્વાજા ગરીબ નવાઝની દરગાહ ક્યારે ખુલશે તે અંગે એક બેઠક બોલાવી હતી અને આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શ્રદ્ધાળુ અજમેર ખુલે તે માટે રાહ જોઈને બેઠા છે અને શ્રદ્ધાળુઓમાં ખ્વાજા ગરીબ નવાઝની દરગાહ પર લાખો લોકો અહીંયા શ્રદ્ધાપૂર્વક આવે છે અને પોતાની માનતા પરિપૂર્ણ કરે છે ચાદર ઓઢાડીને. ત્યારે હિન્દુ મુસ્લિમનું શ્રદ્ધા આસ્થાનું પ્રતીક અને આસ્થાનથી રાહ જોઈ રહેલા પણ હજુ કોઈ આ અંગે ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી નથી. સરકાર તરફથી કે મુખ્યમંત્રી તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની ગાઈડલાઈન જણાવવામાં આવી નથી, પરંતુ જે શ્રદ્ધાળુઓ છે ત્યાંના બે મુજાવર છે તે લોકોને કોલ કરે છે અને તે કોલનો જવાબ મળશે કે હવે અજમેર ખ્વાજા ગરીબ નવાઝની દરગાહ ખુલી છે ત્યારે શ્રદ્ધાળુ જશે. પરંતુ હાલમાં તો બે મુજાવર છે તે લોકોને કોલ કરી જાણવા મળ્યું છે કે હજુ તે ખુલી નથી, ત્યારે જ્યારે ખુલશે ત્યારે જવાનું રાખવામાં આવશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ત્યારે રાજસ્થાન અજમેરમાં ખાદિમ મોઈન મિયા ચિશ્તી એ બેઠક બોલાવી હતી અને આવનાર સમયમાં આ દરગાહ ક્યારે ખુલશે તેની સરકાર તરફથી ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. पहुंच चुका हूं, तो आज हम इनसे ये जानकारी करेंगे कि जो कल मीटिंग हुई सीएम गहलोत के जानिब से अंजुमन कमेटी से, तो वो कल क्या मीटिंग हुई थी, उसमें क्या बात हुई, दरगाह शरीफ कब खुलने वाला, दरगाह शरीफ के मुताबिक क्या बात रखी गई. देखिए कल की जो मीटिंग थी वो वैक्सीनेशन को लेकर के सीएम मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब ने वीसी के ऊपर हमसे बात की थी, जिसके ऊपर वैक्सीन के ऊपर जोर देने के लिए तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे इसके लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी. इसी मीटिंग के दौरान हमने बारगाह गरीब नवाज, जो कि ये जो सेकंड वेव्स आई थी ये बहुत ही ख़तरनाक थी, पूरा मुल्क इससे मुतासिर था, उसको देखते हुए 16 अप्रैल को ज़ायरीन की एंट्री को बंद कर दिया गया था. हालांकि दरबार शरीफ तो खुले हुए हैं लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जमीए खुद्दाम ख्वाजा ही दरबार में हाजिर होते हैं और जो दरबार शरीफ की रसूमात हैं उसको अंजाम देते हैं और तमाम जमीए खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से दरबार में दुआ होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार गरीब नवाज के सदक़े में ये जो कुछ भी वबा है ये हमारे मुल्क से, ना सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि आलम इंसानियत से ये वबा दफ़ा हो जाए, इसके लिए तमाम खुद्दाम ख्वाजा दुआ करते हैं. और जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है दरबार शरीफ के अंदर 16 अप्रैल से अब तक ज़ायरीन की एंट्री बिल्कुल बंद है, इसके चलते तमाम ज़ायरीन जो है वो तड़प रहे हैं. जो लोग बारगाह गरीब नवाज में हाज़िरी का इरादा रखते हैं वो तमाम अपने अपने जो वकील हैं, जो खुद्दाम ख्वाजा हैं, जिनके ज़रिए से वो दरबार में हाज़िरी देते हैं, उनसे बार बार राब्ता करते हैं और हमारे पास भी कई फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं. लिहाजा आपके इस चैनल के ज़रिए से हम ये बताना चाहते हैं कि कल हमारी सीएम जनाब अशोक गहलोत साहब से बात हुई, उसके ऊपर ख़ास तौर से हमने ज़ोर दिया कि सरकार गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह ताला ने इस वबा को, अब ये तकरीबन जा रही है, ये वबा ख़त्म हो रही है, तो जल्द से जल्द दरबार खोले जाएं ताकि जो लोग हाज़िरी देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द उनको दरबार में हाज़िरी का मौका मिले और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज उनको अपने ख़दमों में तलब फरमाएँ. लिहाजा आपके चैनल के ज़रिए से हम तमाम चाहने वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अपने वकील से राबता रखें. इंशाल्लाह मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है
कि एक दो दिन में चार दिन में इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। लेकिन जब भी आप घर से निकलें, अगर हाजिरी का इरादा रखते हैं, तो जो आपके वकील हैं, जो दरबार में खुद्दाम ख्वाजा हैं, उनसे आप रابطہ रखें। जब वो आपको ये इसके मुतालिक बता दें कि दरबार कब खुलेगा, उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलें। जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आएगी, तब तक ज़ायरीन की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन कल की मीटिंग के बाद में जो रابطہ हुआ, उसमें CN साहब ने कहा कि बहुत जल्द इस मामले के ऊपर फैसला करेंगे कि दरबार शरीफ खुल जाए और लोगों की हाजिरी दरबार में हो। लिहाजा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ख्वाजा साहब के दरबार के ताल्लुक से कि जल्द से जल्द दरबार शरीफ खुल जाएंगे और जो लोग तड़प रहे हैं, हुजूर सरकार करीब नवाज अपने कदमों में उनको तलब फरमाएंगे और सब अपने अपने जो वकील हैं, जो खुद्दाम ख्वाजा हैं, उनके जरिए से दरबार में हाजिर होंगे। और कई मेहमान कह रहे हैं फोन करके, कमेंट करके, क्या हम अजमेर शरीफ अभी आना चाहते हैं, हमारा दिल नहीं लग रहा, मतलब हम आना चाहते हैं कैसे भी करके, चाहे जो परेशानी का सामना करना पड़े। तो क्या जो बाहर से दीदार करके जा रहे हैं, तो क्या कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, जैसे बाहर से दीदार कर सकते हैं, क्या पूछ? नहीं नहीं, जो लोग अगर अभी भी अजमेर आना चाहते हैं तो आए, लेकिन शर्त यही है कि दरबार शरीफ के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। दरबार शरीफ के चौखट के ऊपर से आप हाजिरी देकर के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरबार शरीफ जो है, अभी जब तक गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन नहीं आती है, तब तक दरबार शरीफ मुकम्मल तौर पर ज़ायरीन के लिए बंद हैं। लिहाजा आप अगर आना चाहते हैं, और बहुत ज़रूरी है अगर आना, तो आपको बाहर गेट पर से ही सलामी देनी होगी, अंदर एंट्री कतई नहीं मिलेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला CM ने भरोसा भी दिलाया हमको, कल हमारी बातचीत हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर फैसला किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द दरबार खुल जाएंगे। जी, दरबार खुलने के साथ साथ मेन इम्पोर्टेंट रखते हैं मार्केट अजमेर के, कि जारी ना आते तो मेन मार्केट में घूमते, क्योंकि यहीं से लोगों की रोजी रोटी भी चलती है और जारीन भी आते, उनको अच्छा लगता है। तो क्या गाइडलाइन में भी थोड़ा सा फर्क आएगा, जो कि सुबह अभी 6 बजे से शाम के 4 बजे तक का कर्फ्यू है, कर्फ्यू लॉकडाउन कह सकते हैं, इसमें कुछ है बदलाव? जहाँ तक लोगों की रोजी रोटी की बात है, हमने पुरजोर तरीके से CM के सामने ये बात रखी है कि दरबार शरीफ, ख्वाजा साहब का दरबार से कम 20,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी दरगाह शरीफ से जुड़ी हुई है, जिनके मामलात दरबार खुलने से ही, ज़ायरीन की आमद और रफ्त से ही उनके रोज़गार चलते हैं। तो ख़ास तौर से इस बात के ऊपर हमने ज़ोर दिया है, और इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने भी बड़ा ही संजीदगी से इसको लिया है, और उन्होंने जब हमने ये बात की तो उन्होंने अपने पेन से नोट किए इस बात को। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट के लोगों को भी जल्द से जल्द राहत मिलेगी, और उम्मीद है कि उनके भी सबके, जो लोग भी दरगाह शरीफ से वाबस्ता हैं, जिनके रोजगार दरगाह शरीफ से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी राहत मिलेगी और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला दरबार शरीफ खोले जाएंगे। जी।